तो दोस्तों, अगर आप यूरोप के किसी भी कोने में पहुंच गए और वहां पर अगर आप पूछेंगे कि आप अपने सबसे कट्टर दुश्मन रशिया की किस एक बात के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपको गैस सप्लाई का नाम ही बताएंगे। क्योंकि रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी तरफ से गैस सप्लाई को लेकर एक वादा करते हैं कि सूरज चाहे ना निकले, लेकिन आप तक हमारे द्वारा भेजी गई गैस जरूर पहुंच जाएगी। इस बात की गारंटी है, कितने भी मतभेद हो, किसी भी तरह का कोई युद्ध हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रशिया की गैस सप्लाई कभी नहीं रुकती। और वाकई में काफी लंबे समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि यूरोप को रशिया ही गर्म कर पा रहा है अपने गैस के जरिए। लेकिन दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर ने एक ऐसा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया जिसके बाद रशिया ये वादा तोड़ने के ऊपर मजबूर हो गया। कारण थे सैंक्शंस। रशिया के पास इतनी सारी गैस थी कि उसे स्टोर कर पाना नामुमकिन था। साथ ही रशिया द्वारा जो गैस का उत्पादन किया जा रहा था उसे सडनली रोक पाना भी बहुत मुश्किल था। यही कारण था कि जब यूरोप को पहली बार रशिया द्वारा गैस रोकी गई तो उस बची हुई गैस को रशिया को हवा में जलानी पड़ी। इतनी सारी गैस जलाई जिसकी कीमत आकी जाती थी $1 करोड़ पर डे के हिसाब से। और यहाँ तक कि कई सारे रिसर्चर्स ने अपना सिर पकड़ लिया कि इस तरह से अगर गैस को जलाया जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई है रशिया के अंदर, गैस बहुत ज्यादा है, खरीदार कोई नहीं है। हालांकि फिर भी इस युद्ध के दौरान काफी विषम परिस्थितियां रही, उसके बावजूद पिछले कुछ समय में खबरें निकल कर आई है कि रशिया ने वाया यूक्रेन यूरोप को फिर से गैस भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद रशिया अब ये चाहता है कि यूरोप से आज नहीं तो कल ये बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, उसके बाद इतनी सारी गैस का रशिया करेगा क्या। तो अब इस वजह से रशिया का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो गया है एशिया के ऊपर। जिस तरह से क्राइसिस के दौर में एशियन देशों ने रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीद कर उसकी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाया, तो वही सारा फॉर्मूला अब रशिया गैस के फील्ड में भी अपनाना चाहता है। और इसके लिए एक प्रस्ताव के ऊपर रशिया बिल्कुल जिद पर अड़ गया है और भारत के सामने ऑफर्स के बाद ऑफर्स रख दिए गए हैं। और ये ऑफर्स रखे गए हैं रशिया से भारत सीधी गैस कनेक्टिविटी को लेकर, यानी एक पाइपलाइन डाली जाएगी जो कि रशिया से शुरू होकर भारत तक आएगी और भारत के बाद बाकी सारे एशिया के देशों में भी फैलेगी, जिस पर योजना को लेकर काफी लंबे समय से विचार किया जा रहा था लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला था। लेकिन अब रशिया चाहता है कि इसके ऊपर भारत किसी तरह का जल्द से जल्द निर्णय ले ले। और ये परियोजना कोई और नहीं बल्कि तापी है। तापी का फुल फॉर्म देखे तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। एक ऐसी परियोजना जिसके ऊपर काम 2018 में शुरू किया गया, लेकिन काम शुरू होते ही श्रमिकों के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसके बाद इस परियोजना को और आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके जरिए बताया जा रहा था कि कुल 1100 मील की एक पाइपलाइन डाली जाएगी तुर्कमेनिस्तान से सीधे भारत, बीच में अफगानिस्तान आएगा, पाकिस्तान आएगा और इसका अंतिम पड़ाव रहेगा भारत। अब तुर्कमेनिस्तान तक अगर ये गैस है तो बड़ी आसानी से इसका एक्सपांशन रशिया तक किया जा सकता है, जिसके बाद तुर्कमेनिस्तान और रशिया दोनों देशों की गैस भारत तक पहुंच जाएगी। भारत के बाद सीधे रशिया को एक्सेस मिल जाएगा अरब सागर का, जिसके जरिए वो एशिया के कई और सारे देशों में गैस सप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचकर अगर देखें कि इस गैस पाइपलाइन का जो रूट है वो कितना डेंजरस है। एक तो ये गैस पाइपलाइन जब तुर्कमेनिस्तान से निकलती है तो सीधे इंटर होती है अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान की स्थिति हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी भयानक है। ऊपर से वहां पर तालिबान राज है, किसी भी परिस्थिति में इस गैस पाइपलाइन को खतरा हो सकता है। उसके बाद ये गैस पाइपलाइन पहुंचती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या संबंध है इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर इन फ्यूचर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत तक इस गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। इस वजह से भारत इस गैस परियोजना में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय रशिया द्वारा जिद पकड़ी गई है और इसके लिए कई सारे तर्क भी दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस गैस परियोजना के लिए जो अफगानिस्तान का रूट लिया जाएगा तो इसको लेकर अफगानिस्तान को इतना पैसा दिया जाएगा सिक्योरिटी के नाम पर कि अफगानिस्तान का जो टोटल बजट है उसका 80-85% कवर अप इसी किराए से हो जाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान भी तैयार है और तालिबान की तरफ से ये कमिटमेंट किया गया है कि अगर ये गैस परियोजना अफगानिस्तान से गुजरती है तो 30,000 से ज्यादा हम लोग सोल्जर्स इस परियोजना की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय कर देंगे, किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं आएगी। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि भारत इस परियोजना में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे इस परियोजना के ऊपर और भी काम होना शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि अगर भारत इंटरेस्टेड नहीं भी है तब भी तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान तक इस गैस परियोजना को लेकर जाया जाएगा। अभी 1-2 साल पहले की बात है, जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय भी कुछ खबरें निकल कर आई थी, शायद आपको याद होगा, और बताया जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन अपने पहले पाकिस्तान विजिट पर जा सकते हैं। इवन पुतिन ही क्या, रशिया के पुराने प्रेसिडेंट भी भारत की वजह से कभी पाकिस्तान के विजिट पर नहीं गए, तो वो सारी चीजें भी होने जा रही है। तो इसके पीछे इसी तापी परियोजना के बारे में बताया जाता है। अब पाकिस्तान तो इससे बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि ये गैस पाइपलाइन अगर पाकिस्तान तक पहुंच जाती है तो पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत फायदा है।
पाकिस्तान को काफी कम कीमतों पर गैस मिल सकती है। अगर ये परियोजना भारत तक आ जाती है तो भारत को भी बहुत फायदा होगा कि बहुत सस्ते रेट पर हमें ये गैस मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग हमारी बच जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पर यही है जो भारत सोच रहा है कि मान लीजिए ये गैस भारत आ जाती है और भारत की इंडस्ट्रीज वगैरह और पूरा इकोसिस्टम इसी गैस पर आश्रित हो जाता है, उसके बाद सडनली कोई प्रॉब्लम आती है अफगानिस्तान में, वहां पर किसी तरह का कोई सिविल वॉर शुरू हो जाता है और इस गैस परियोजना को डैमेज हो जाता है, तब क्या होगा? हमारा सारा इकोसिस्टम उथल पुथल हो सकता है। या फिर पाकिस्तान की अगर बात की जाए कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, जिसकी की कोई गारंटी नहीं कभी भी हो सकते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आने वाली सप्लाई को बीच में कट किया जा सकता है। तो इन सब परिस्थितियों की वजह से भारत इसमें हानि कर रहा है। बाकी अगर ये गैस परियोजना भारत तक पहुंच जाती है तो रशिया के वारे न्यारे होना बिल्कुल तय है, क्योंकि भारत के बाद अन्य कई और देशों में रशिया इस पाइपलाइन को लेकर जा सकता है, जैसा कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और इसके अलावा भी कई सारे एशिया के देश हैं जो कि इस गैस परियोजना में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर भारत की हो सकती है, क्योंकि इस परियोजना को शुरू करने में इन्वेस्टमेंट पहले तो करना पड़ेगा भारत को, उसके बाद जब ये परियोजना शुरू हो जाएगी तब भी मन में हमेशा एक धकधकी लगी रहेगी कि कब ये परियोजना बंद हो जाए, कब बीच में बाधाएं आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अब मैं इस पूरे मुद्दे पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या इन बाधाओं के बावजूद भारत ने इस गैस परियोजना में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।